सभी लोगों को मेरा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, ए हेलो। मेरा नाम नुनिहार खातून है, मैं TCLP लाइब्रेरी की मेंबर और स्टूडेंट काउंसिल लीडर हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहाइमिन है। परिवार, मेरा नाम गौरव है और मैं दागे मिट्टी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का स्टूडेंट लीडर हूँ। रीड अलाउड क्या है? आप बोल सकते हैं कि रीड अलाउड किसी को कहानी सुनाना। अगर आप एक कहानी पढ़ने वाले हैं, आपके पास एक किताब है और वही किताब आप खुद भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के भी सुना रहे हैं किसी को, तो आप उसे सीधे सीधे रीड अलाउड बोल सकते हैं। हमारी फ्री लाइब्रेरी में रीड अलाउड जरूरी क्यों है, तो आप फ्री से समझ सकते हो। मुफ्त है हमारी लाइब्रेरी बिल्कुल, और हम हर दिन हर रोज रीड अलाउड करते हैं, और मैं रीड अलाउड करता भी हूँ और सुनता भी हूँ। और हमारी लाइब्रेरी में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रीड अलाउड। मेरे से बहुत लोग कहते भी हैं, भैया आज रीड अलाउड करोगे आप? तो मैं बोलता हूँ हाँ करूँगा, और मेरे को खुशी होती है। रीड अलाउड एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम दोस्त बना सकते हैं। हमें लाइब्रेरी में जब फर्स्ट टाइम गए थे तब हमें पता भी नहीं था कि रीड अलाउड होता क्या है, ना ही हमें पता थे किसी के नाम, ना ही हम किसी से दोस्ती कर रहे थे, क्योंकि हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला था कभी। फिर रितिका मैम ने रीड अलाउड किया, हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबसे पहले नाम पूछे सबसे, फिर हमें नाम पता चले, फिर हमने दोस्त बनाए। तो मुझे ये लगता है रीड अलाउड एक सबसे अलग जरिया है दोस्त बनाने का। छोटे छोटे बच्चे आपके रीड अलाउड सुनते हैं, वो बोलते हैं भैया भैया मुझे सुनाओ मुझे सुनाओ। तो क्या सुनना है आपको? कहानी सुनना है? किस चीज़ की? प्रिंसेस की सुननी है कहानी, सिंड्रेला की सुननी है, और किसकी? बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की कहानी सुनने का मन करता है उनको। तो रीड अलाउड एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम दोस्त बना सकते हैं। छोटे छोटे बड़े को भी हम दोस्त बना सकते हैं, उनके अंदर की भावनाओं को जान सकते हैं। ऐसी बहुत सी किताबें हैं कि मैंने पढ़ी है, लेकिन उसको जब मैंने रीड अलाउड में पढ़ा तब मुझे उसके बहुत से अलग अलग साइड्स दिखे, मुझे बहुत से अलग अलग पहलू दिखे, और मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने वही किताब जो मैंने पहले पढ़ रखी है और उसी किताब में मुझे कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। हम कभी भी बुक पढ़ते हैं तो सोचते हैं, और हम रीड अलाउड करते हैं तो जब भी हम सोचते हैं कि हम रीड अलाउड करते हैं तो ये बोलते हैं, लास्ट में हम ये पूछते हैं आपके साथ ऐसा हुआ है आज? बोलते हैं हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो सोचते भी हैं अगर ऐसा होता ये होता कहानी में ये होता। तो रीडिंग इज थिंकिंग का यही मतलब है कि आप पढ़ के सोचो, सोचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है रीडिंग इज थिंकिंग। और मतलब दोनों कनेक्शन है दोनों का, बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि हम पढ़ के भी सोचते हैं और हम सुन के भी सोचते हैं। तो रीड अलाउड एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि किताबों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया है, कि जो किताबें नहीं पढ़ पाते या फिर जिन्हें थोड़ी किताबों में कम दिलचस्पी है, पढ़ने में, सुनने में तो बहुत होगी, बट मेरे ख्याल से रीड अलाउड एक बहुत अच्छा जरिया है किसी इंसान को किताब से बहुत अटैच करने का। क्योंकि जब हम रीड अलाउड किसी के साथ करते हैं तो हम सिर्फ कहानी को नहीं सोचते हैं, हम उस इंसान से भी इंटरेक्ट करते हैं, हम उस इंसान से भी बात करते हैं, और अपनी सारी जितनी भी सोच है, जितनी भी बातें आती है हमारे दिमाग में, हम उसे एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो उससे हमारी बातों से हमारी दिमाग का जो पावर है वो भी बढ़ता है, और हमारे सोचने की क्षमता के साथ साथ हम और अच्छे तरीके से उस चीज़ को और समझने लगते हैं। और मेरे ख्याल से ये हम यूथ के लिए, हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कि रीड अलाउड क्यों ज़रूरी है, तो मैं यही कहूँगी कि रीड अलाउड के द्वारा हम सिर्फ कहानी नहीं बांटते हैं, हम अपने जितनी भी फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, जितने भी इमोशंस हैं, या हम किसी चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते हैं, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती है, हम लोगों से बात करते हैं तो हमारी सोच भी बढ़ती है और हमारी सोचने की ताकत भी। सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम।